Good morning students, in the yesterday lectures we have studied the method of preparation of diens. Now in today's lecture we will study the chemical properties of diens. Okay, I hope आपको पिछला lecture अच्छी तरह से clear हो गया था जिसमें हमने पढ़ा था कि diens क्या होते हैं, diens की properties क्या होती हैं and diens के method of preparation क्या होते हैं. तो ये हमने कल कर लिया था. आज हम करेंगे chemical reactions of diene. ओके, तो first chemical reaction है addition of halogen. ठीक है, तो देखो मैंने एक diene ले लिया है, this is 1,3-butadiene. ओके, इसमें हमने हेलोजन का एडिशन किया. हेलोजन क्या होते हैं बेटा? हेलोजन होते हैं ग्रुप 17, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. कोई भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है. सबसे जो कॉमन है इन्होंने ब्रोमीन या क्लोरीन ले लेते हैं. तो देखो ब्रोमीन ले लिया. अब देखो बेटा जो डाइईन होते हैं उनमें दो डबल बॉन्ड हैं. बेसिकली आपको पता है कि डबल बॉन्ड में हमेशा जब डबल और सिंगल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड ही टूटता है. अब इस केस में कन्फ्यूजन क्या है, दो डबल बॉन्ड है, कौन सा डबल बॉन्ड टूटेगा. तो डाइईन जो है दो तरह के रिएक्शन देता है, एक देता है 1,2 एडिशन, एक देता है 1,4 एडिशन. 1,2 एडिशन क्या होता है बेटा, जब एक डबल बॉन्ड टूटे, चाहे ये वाला टूट जाए चाहे ये वाला टूट जाए, जब डबल बॉन्ड टूटेगा एक ब्रोमीन इसको मिल जाएगा, एक ब्रोमीन इसको मिल जाएगा. तो ये हो जाएगा 1,2 एडिशन. देखो 1,2 पे ब्रोमीन लग गया तो दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, 1,2 एडिशन. ठीक है, चाहे ये टूट जाए, अगर ये टूट जाता तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता तब भी 1,2 एडिशन होना था. लेकिन एक सेकंड केस होता है 1,4 एडिशन. ठीक है, ये ऊपर वाला है 1,2 एडिशन और जो ये सेकंड केस है वो क्या है, 1,4 एडिशन. 1,4 एडिशन मतलब ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटे, ये वाला डबल बॉन्ड भी टूटे. बेटा जब ये वाला डबल बॉन्ड दोनों टूटेंगे तो आधा बॉन्ड और आधा बॉन्ड मिलके बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे और जो इस पे एक फ्री रेडिकल बना और इस पे एक फ्री रेडिकल बना, एक फ्री रेडिकल पे एक ब्रोमीन लग जाएगा और दूसरी तरफ दूसरे फ्री रेडिकल पे दूसरा ब्रोमीन लग जाएगा. तो एक ब्रोमीन पहली पोजीशन पे लगेगा, एक ब्रोमीन फोर्थ पोजीशन पे लगेगा, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा. तो इसे कहते हैं 1,4 एडिशन. अगर सिंगल डबल बॉन्ड टूटे तो 1,2 एडिशन होगा, पहली और दूसरी कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा. अगर दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो पहली और चौथी कार्बन पे हेलोजन लग जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि हाफ बॉन्ड यहाँ से, हाफ बॉन्ड यहाँ से, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे. तो एडिशन दो तरह का होता है, एक 1,2 एडिशन होता है और एक 1,4 एडिशन होता है. ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का वो कार्बोकेटाइन के थ्रू होता है. सबसे पहले बेटा ब्रोमीन जो है वो टूटेगा तो उस पर पॉजिटिव होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो, डबल बॉन्ड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव वाले पर अटैक करता है और नेगेटिव वाले को सेपरेट करता है. एक के एक ब्रोमीन आके लग जाता है, दूसरे कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज. अब इस पॉजिटिव चार्ज को जब ये नेगेटिव चार्ज वाला दिखेगा तो यहाँ पे आके अटैक कर देगा. तो ये थ्रू कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से हुआ है. ठीक है बेटा, और आपको पता ही है कार्बोकेटाइन में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. ये मैंने पिछले साल आपको बताया था अच्छी तरह से कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपने एडिशन कर लिया हेलोजन का बाय 1,2 मैकेनिज्म और बाय 1,4 एडिशन, और ये जो आपका एडिशन हुआ है वो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है. नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इज रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड. हेलोजन एसिड क्या होते हैं, HCl, HBr, हेलोजन है और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो तो उसे कहते हैं हेलोजन एसिड, HCl, HBr, HI, HF. तो बेटा सेम वही होना है, एच, बस इसमें ये होता है कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा, अब इसमें ये एच पॉजिटिव है, सी एल नेगेटिव है, तो पॉजिटिव किसको दें और नेगेटिव किसको दें, एरो पे कुछ नहीं लगा तो मार्कोनिक ऑफ रूल, मतलब पॉजिटिव पार्ट उसके पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है. इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन को मिलेगा हाइड्रोजन और दूसरे वाले को क्या मिलेगा, क्लोरीन. ठीक है, देखो इसको हाइड्रोजन दे दिया, इसको क्लोरीन दे दिया. जब 1,2 एडिशन हुआ, जब 1,4 एडिशन होगा तो इस कार्बन पर ऐड होगा और इस कार्बन पर ऐड होगा, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो किसी को भी हाइड्रोजन दे दो, किसी को भी क्लोरीन दे दो. तो इसको हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ CH3 आ गया, इसको क्लोरीन दे दिया और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड. सो दिस इज 1,4 एडिशन. अगर 1,2 एडिशन होता है तो इन दोनों में से कोई एक डबल बॉन्ड तोड़ना होता है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन उसको पॉजिटिव पार्ट दे दो, जिसके पास कम हाइड्रोजन उसको नेगेटिव पार्ट दे दो. ये भी बेटा मैकेनिज्म जो है वो कार्बोकेटाइन के थ्रू होता है. ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, 1,2 प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है या 1,4 प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, तो बेटा ये जो है ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे कि 1,2 ज़्यादा बनेगा या 1,4 ज़्यादा बनेगा. अगर तो आपका जो लो टेम्परेचर पे हो रहा है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है,
अगर लो टेम्परेचर पे हो रहा है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो 1-2 ज़्यादा बनेगा, ठीक है। 1-2 कब ज़्यादा बनेगा बेटा, अगर लो टेम्परेचर है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो 1-2 प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर इसके उल्टा है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, देखो हाई टेम्परेचर 313 केल्विन, यहाँ लो टेम्परेचर था 193, तो अगर टेम्परेचर 193 है और जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है तो आपका 1-2 प्रोडक्ट 80% बनेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है और आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, तो आपका जो है 1-4 वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। यहाँ 1-2 कम बन रहा है, 1-4 ये माइनर बन रहा है और ये क्या बन रहा है, मेजर। तो हाई टेम्परेचर पे 1-4 ज़्यादा बनता है, लो टेम्परेचर पे 1-2 ज़्यादा बनता है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है 1-2 प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कम चाहिए होती है, ठीक है। आपको पता ही है कि 1-2 में एक डबल बॉन्ड तोड़ना है, 1-4 में दो डबल बॉन्ड तोड़नी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है 1-2 वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए कम चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू 1-4। इसीलिए जो है लो टेम्परेचर पे 1-2 ज़्यादा बनता है, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, तो फिर कौन सा ज़्यादा फेवरेबल होगा बेटा, 1-4, ठीक है। अगर आप देखो, जब आपने एडिशन करना है और एरो के ऊपर परऑक्साइड डाल दिया, आपको पता है कि अगर एरो पे कुछ ना लिखा हो तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है, अगर एरो पे परऑक्साइड या सनलाइट डाल दे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। और तो जब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा तो बेटा एडिशन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। जब मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है तो एडिशन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से होता है, जब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा तो एडिशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव पार्ट उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब जब इसमें से ये टूटेगा तो कार्बन के पास 3 क्लोरीन, तो ये नेगेटिव है, सॉरी कार्बन के पास 3 क्लोरीन, ठीक है बेटा, हाँ, और ब्रोमीन क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा, ये जब डबल बॉन्ड टूटा तो जिसके पास ज़्यादा कम हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव मिलेगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव। तो CCl3CH2 को मिल जाएगा और ब्रोमीन को उसको मिल जाएगा CH को। ये होगा 1-2 एडिशन। जब 1-4 एडिशन होगा तो दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे, एक डबल बॉन्ड बीच में क्रिएट होगा, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे, तो किसी को भी ब्रोमीन दे दो किसी को भी CCl3 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क किसमें पड़ेगा, मैकेनिज्म में, कि जब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है तो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है डाइल्ड एल्डर रिएक्शन। डाइल्ड एल्डर रिएक्शन आपको याद होगा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें कि सिंपल जो है एडिशन होता है, सिंपल एडिशन होना है। देखो, एक हमने ये डाई इन लिया, डाई इन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो 1-3 ब्यूटा डाई इन, और उसमें हमने इथीन ऐड किया, तो क्या होना है बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटना है, ये वाला बॉन्ड टूटना है, ये वाला बॉन्ड टूटना है, और तीनों ने आपस में जुड़ना है। तीनों में आपस में कैसे जुड़ना है, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एंड व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट साइक्लोहेक्सीन। तो दिस इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसमें एक कॉन्जुगेटेड डाइईन एक सिंपल एल्कीन के साथ ऐड करके आपको साइक्लो प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। सेम आप कोई भी कर सकते हो। देखो बेटा, इसे ये है डाइईन, अगर एल्कीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ पे तो सिंपल एल्कीन है, ठीक है, तो सिंपल ये रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, एंड व्हाट विल यू गेट, साइक्लोहेक्सीन। लेकिन अगर एल्कीन के साथ, ये देखो ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड वाली एल्कीन, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डाई इन है 1-3 ब्यूटा डाई इन। अब ये जो आपने इथीन लिया उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं डाइनोफाइल। ये सिंपल था एल्कीन, अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सपोज मैं C डबल बॉन्ड OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी तो इसे कहेंगे डाइनोफाइल, ठीक है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये क्या है, डाइनोफाइल। तो ये है डाइईन, दो डबल बॉन्ड, इसमें आपने डाइनोफाइल डाला, इसमें भी सेम वही एडिशन होना है, ये वाला बॉन्ड टूटना है, ये वाला डबल बॉन्ड टूटना है, ये वाला डबल बॉन्ड टूटना है, ये बॉन्ड इधर मूव किया, ये वाला बॉन्ड इधर मूव किया, ये वाला बॉन्ड इधर मूव किया, ठीक है। 4+2 क्यों कहते हैं इसको, देखो दो इलेक्ट्रॉन इसके, दो इलेक्ट्रॉन इसके, ये हो गया 4 और दो इलेक्ट्रॉन इसके, तो इसे कहते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है। यहाँ देखो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, इन दोनों के 4 हो गए, इन इसका 2 हो गए, तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं उसको, इसीलिए कहते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन।
ठीक है। अब कहते हैं इस रिएक्शन को फेवर कौन करता है, अगर आपके पास आपकी एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, मतलब कि डाइनोफाइल हो, तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होता है। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे होंगे तो ये रिएक्शन तेजी से होगा। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन डाइनोफाइल, डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए और डाइईन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए। अगर यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो ये रिएक्शन और भी फास्ट होता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए डाइईन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शन को। लास्ट रिएक्शन डाइईन्स का, पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। पॉलीमराइजेशन आपको पता है, पॉली का मतलब मैनी, मराइजेशन का मतलब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना देते हैं जिसे कहते हैं पॉलीमर। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन की जब आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, इसका आधा बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे और यहाँ से एक बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ से बॉन्ड खुल जाएगा और एन नंबर ऑफ चेन आपस में जुड़ जाएंगी। एंड व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट पॉलीब्यूटाडाइईन। ये देखो, ये ब्यूटाडाइईन था, जब इसके दोनों डबल बॉन्ड टूट गए, सेंटर में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से चेन खुल गई, यहाँ से चेन खुल गई, यहाँ भी एन नंबर ऑफ चेन जुड़ गई, इस साइड भी एन नंबर ऑफ चेन जुड़ गई, तो उसे कहेंगे पॉलीब्यूटाडाइईन, ठीक है। सिमिलरली ये कोई कंपाउंड है, दैट इज 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइईन। जब मैंने इसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए तो इसकी पॉलीमराइजेशन भी होगी, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड सेंटर में आके आधा, ये डबल बॉन्ड सेंटर में आके आधा डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब ये वाली कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है तो ये आगे ग्रो करेगी, इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है तो ये आगे ग्रो करेगी, एन नंबर ऑफ चेन्स जो हैं बनेंगी। ये है आइसोप्रीन, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रीन, एन नंबर ऑफ चेन जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉली आइसोप्रीन। ओके बेटा, तो इसके साथ आपका डाइईन्स चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।